Good morning, everyone. Continuing with our next method, that is final accounts method. इस method के अंदर जो accounts prepare होते हैं books में head office की branch से related वो दो accounts हैं. वो कौन-कौन से accounts हैं? पहला है आपका trading and profit and loss account branch का और दूसरा है branch account. ब्रांच अकाउंट सेम तरीके से बनेगा जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में किया है. इसमें जो एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ब्रांच. तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम तरीके से बनाया जाता है जैसे किसी भी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप पहले दूसरी कंपनीज के केस में बनाते आए हैं. कुछ आइटम्स यहाँ पर जो आप वहां पे ऐड करते थे उससे कुछ आइटम्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी. तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है. इसे बनाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज दैट इज कि जब भी हम ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो जो भी आइटम्स हम यहाँ पर शो करेंगे वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर शो होती है. सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है. सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर, टू गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, देन जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं जैसे कैरेज वेजेस एक्सेट्रा, देन क्रेडिट साइड पर सेल्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों को हम इंक्लूड करते हैं, देन क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर आएगा, बाय गुड्स इन ट्रांजिट कॉस्ट प्राइस पर आएगा. जब दोनों साइड्स को आप कंपेयर करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा. अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो उसे हम पी एंड एल अकाउंट का मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला पार्ट है इस अकाउंट का क्रेडिट साइड में वहां पर ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी से. देन डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, जो भी एक्सपेंसेस चाहे है आपके हेड ऑफिस ने पे किए हैं चाहे ब्रांच ने पे किए हैं वो सारे एक्सपेंसेस यहां पर आ जाएंगे. तो टू एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, टू एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच. देन जो भी आपकी पी एंड एल के आइटम्स हैं जैसे बैड डेब्ट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, डिस्काउंट अलाउड टू डेब्टर्स हो गया, अलाउंस अलाउड टू डेब्टर्स हो गया, ये सारे आइटम्स हम यहाँ पर लिखेंगे. देन दोनों साइड्स को आप कंपेयर करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है वो आ जाएगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है दैट इज अगर क्वेश्चन में जो आइटम्स हैं वो इनवॉइस प्राइस पर दी हुई हैं तो आपको पहले उसे कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना होगा. जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस आएगा वो आपने यहाँ पर शो करना है. देन नेक्स्ट हम इसकी एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. विनोद लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट गोवा, गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%. The expenses of the branch are paid by head office. Branch keeps a sales journal and the debtors journal ledger only. From the information supplied by the branch, prepare trading and profit and loss account of the branch for the year ending 31st December 2007 and show the account of the branch as it would appear in the books of the head office. तो देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. सबसे पहला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है और ब्रांच अकाउंट हमें बनाना है. तो दोनों के हमने अकाउंट्स बना लिया. अब देखते हैं सबसे पहले जो भी हमारा ब्रांच अकाउंट है एज इट इज जैसे हम पहले क्वेश्चंस में बनाते आ रहे थे वो बनाते हैं. ओपनिंग स्टॉक दिया है कॉस्ट प्राइस पर. जो ओपनिंग स्टॉक है ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड आता है तो यहाँ पर हमें जो ओपनिंग स्टॉक दिया है वो दिया है 1,18,000 का. अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि गुड्स आर इनवॉइस्ड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%. तो अभी के लिए जो स्टॉक प्राइस है जो ये 1,18,000 है अमाउंट वो एज इट इज हम लिख देंगे. तो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस 1,18,000 तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्टॉक ओपनिंग 1,18,000 का. देन हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है इनवॉइस प्राइस पर 1,03,000 का. तो ये 1,03,000 का हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस सीडी में. देन नेक्स्ट जो आइटम हमें गिवन है दैट इज क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स. तो कैश सेल्स तो हमारी एज इट इज लिख देते हैं हम ब्रांच अकाउंट में. कैश सेल्स 96,000 की और डेबिट्स अकाउंट हम बनाएंगे तो यहाँ पर आपकी क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स क्रेडिट. देन आपका रिसिप्ट फ्रॉम डेबिटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर्स हम यहाँ क्रेडिट साइड पर लिख देंगे डेबिटर्स अकाउंट में और ये कैश रिसीव हम यहाँ पर भी लिखते हैं ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पर. तो फ्रॉम डेबिटर्स 2,56,000. देन है आपका डेबिटर्स ऑन 31st December 2007 मतलब क्लोजिंग डेबिटर्स हमें दिए गए हैं तो डेबिटर्स अकाउंट में क्लोजिंग डेबिटर्स हमने लिख दिए. दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो आपका ओपनिंग
हमारा डेप्टर्स का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और इस ओपनिंग बैलेंस को हम ब्रांच अकाउंट में डेप्टर्स के ओपनिंग बैलेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आइटम गिवन है दैट इज गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट में हम लिखेंगे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 2,26,000 की। देन हमें नेक्स्ट जो आइटम दी है दैट इज गुड्स इन ट्रांसिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑन 31st December 2007। तो जो गुड्स इन ट्रांसिट है आपकी वो भी यहीं पे ऐड हो जाएगी, गुड्स इन ट्रांसिट 22,000 और इसको हम क्लोजिंग बैलेंस में भी शो करेंगे, गुड्स इन ट्रांसिट 22,000। देन नेक्स्ट जो हमें गिवन है दैट इज एक्सपेंसिस पेड बाय हेड ऑफिस फॉर दी ब्रांच। जो एक्सपेंसिस हेड ऑफिस ने पे किए तो टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस 49,000 के। अब हम अपने जो हमारा ये कैश जो हमारा ब्रांच अकाउंट है यहाँ पर स्टॉक रिजर्व की हम एंट्री कर देते हैं। स्टॉक रिजर्व जो ये स्टॉक यहाँ पे गिवन है हमें 1,18,000 का, ये हमें ऑलरेडी कॉस्ट पर गिवन है। अब इसमें एक चीज देखिए, हम क्या कर रहे थे कि हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो गुड्स इनवॉइस की गई हैं ब्रांच को वो एट कॉस्ट प्लस 25% की गई है, लेकिन यहाँ पर जो हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक वो कॉस्ट प्राइस पे गिवन है और हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर ही लिखा है। तो इसमें अब एक चीज है कि अगर हम यहाँ कॉस्ट प्राइस पर लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि हमें जो स्टॉक रिजर्व है उसकी एंट्री यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इनवॉइस प्राइस पर यहाँ पर स्टॉक लिखते हैं तो उसके लिए, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमें स्टॉक रिजर्व की एंट्री करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो हमने स्टॉक लिखा है वो कॉस्ट पर ही लिखा है, उसे कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उसका सिर्फ हम जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ही जो है कॉस्ट पर गिवन है। एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमें पता चले। उसमें से इन्फ्लेटेड प्राइस को जो एडजस्ट है उसको करने के लिए हम जो स्टॉक रिजर्व की एंट्री है वो करते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट पे गिवन है तो हमें स्टॉक रिजर्व की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। देन टू गुड सेंड टू ब्रांच की जो एंट्री है हमारे पास टोटल है 2,48,000 का। गुड रिटर्न का हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है तो ये जो 2,48,000 है इसी की हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो 2,48,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125 जो स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट है, तो ये आ गया 49,600। देन सेम तरीके से हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इनवॉइस प्राइस पर गिवन है तो उसकी हमें यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी 1,03,000 की 25 डिवाइड बाय 125, 20,600 हमारा स्टॉक रिजर्व में आ गया। सेम तरीके से जो गुड्स इन ट्रांसिट में है हमारा स्टॉक, उसकी भी स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी तो 22,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, 4,400 का हमारा स्टॉक रिजर्व आ गया। तो दोनों साइड्स को जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। डेप्टर्स अकाउंट से हमने ओपनिंग डेप्टर्स निकाल के ब्रांच अकाउंट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो ये हमने ब्रांच अकाउंट बना लिया। अब हम बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे अभी हमने बात की कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा जो भी आइटम्स आएंगी वो कॉस्ट पर आएंगी। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर गिवन है तो हमने 1,18,000 ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। नेक्स्ट जो हमारा गिवन है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पर गिवन है लेकिन हमने लिखना किस पर है, हमने लिखना है उसे कॉस्ट प्राइस पर। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें इनवॉइस प्राइस पर गिवन है 1,03,000। जब हम क्लोजिंग स्टॉक में से जब हमने ब्रांच अकाउंट किया था हमने स्टॉक रिजर्व का पार्ट ऑलरेडी यहां पर इसकी एडजस्टमेंट की थी। तो जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 1,03,000 का और वो है इनवॉइस प्राइस पर, उसमें हमने जो भी इन्फ्लेटेड प्राइस है उस वो निकाल लिया कितना है वो स्टॉक रिजर्व के थ्रू, वो हमारा निकला 20,600। तो जब आप इनवॉइस प्राइस जो दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का उसमें से स्टॉक रिजर्व का अमाउंट माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आपके पास आएगा वो स्टॉक आएगा कॉस्ट प्राइस पर। तो 1,03,000 में से 20,600 आप माइनस करेंगे तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये आया हमारा 82,400। सेम तरीके से बाकी आइटम्स का आ जाता है, जैसे हमारी गुड्स इन ट्रांसिट में जो भी इन्वॉल्व है इन्फ्लेटेड प्राइस उसको हमने माइनस कर दिया तो ये हमारा 17,600 आ गया। गुड्स इन ट्रांसिट था 22,000, इसमें से हमने स्टॉक रिजर्व माइनस किया हमारा 4,400 का तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। देन हमारी नेक्स्ट चीज जो गिवन है दैट इज सेल्स, क्रेडिट सेल, कैश सेल्स दोनों को हम यहाँ शो करते हैं तो बाय सेल्स हमने यहाँ पर शो कर दिया। देन कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम डेप्टर्स यहाँ पर नहीं आएगा, डेप्टर्स क्लोजिंग यहाँ पर नहीं आएंगे, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब जो हमने सेंड की है हेड ऑफिस ने सेंड की है ब्रांच को तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 2,26,000 की, गुड्स इन ट्रांजिट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 22,000 का, इसको ऑलरेडी हमने यहाँ से माइनस
इसका जो स्टॉक रिजर्व है हम माइनस कर देंगे। ये जो 2,26,000 और 22,000 है ये हमारा इनवॉइस प्राइस पर है, तो इसमें से भी हमें स्टॉक रिजर्व इसका माइनस करना पड़ेगा। जैसे हमने ब्रांच अकाउंट में यहाँ पर स्टॉक रिजर्व इन्फ्लेटेड प्राइस की एडजस्टमेंट की थी, वही यहाँ पर से माइनस हो जाएगा 49,600। तो हमारे पास 1,98,400 का गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच का जो कॉस्ट प्राइस है उसका वैल्यू आ गया। तो दोनों साइड्स को हम जब बैलेंस कर देंगे तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट को आपने आगे बैलेंस पीडी लिखा उसका क्रेडिट साइड पर। देन नेक्स्ट जो हमें गिवन है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस फॉर दी ब्रांच, तो टू एक्सपेंसेस हमने लिख दिया। दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। अब इसमें एक चीज देखिए, आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाएंगे और जो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे दोनों से जो अमाउंट शो होगा प्रॉफिट का वो सेम शो होगा। तो यहां से आप मैच कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो ये जो हमारा मेथड है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक दैट इज इसी में मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। मेमोरेंडम वर्ड जब हम किसी भी अकाउंट के आगे यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं उस अकाउंट को बनाने के लिए। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसी से हम उस अकाउंट को बना रहे हैं। तो मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्या है? कई बार जो क्लोजिंग स्टॉक होता है या वेस्टेज हुई है गुड्स की या लॉस हुआ है स्टॉक का वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, गिवन नहीं होता। तो उस मिसिंग आइटम को फाइंड आउट करने के लिए हम एक मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। और अभी जैसे मैंने बताया कि मेमोरेंडम अगर हम वर्ड आगे यूज कर रहे हैं किसी भी अकाउंट के आगे तो इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का वो फॉलो नहीं किया जा रहा है उस अकाउंट को प्रिपेयर करते हुए। इस अकाउंट में अब जब हम मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो सिंपल सा प्रिंसिपल जो हम यूज करेंगे दैट इज डेबिट साइड पर हम उन सभी आइटम्स को लिखेंगे जिससे स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और क्रेडिट साइड पर हम उन सभी आइटम्स को लिखेंगे जिसकी वजह से जो स्टॉक है वो डिक्रीज हो रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पर बनाया जाता है। देन इसमें क्या क्या आता है देख लेते हैं एक बार फॉर्मेट इसका। डेबिट साइड पर टू ओपनिंग बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। टू गुड सेंड टू ब्रांच स्टॉक को इंक्रीज करता है तो इसे हम डेबिट साइड पर लिख रहे हैं। टू सेल्स रिटर्न आपके स्टॉक को इंक्रीज करता है तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। देन टू गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांचेस स्टॉक को इंक्रीज करेगा तो उसे भी डेबिट साइड पे लिखेंगे। देन क्रेडिट साइड पे हम उन आइटम्स को लिखते हैं जिससे जो स्टॉक है आपका वो डिक्रीज होता है। बाय सेल्स कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों आ जाएंगी। देन बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, बाय वेस्टेज ऑफ गुड्स, बाय लॉस ऑफ गुड्स प्लिफरेज की वजह से, देन बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक का आ जाएगा। आपका जब दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसमें एक चीज देखिए, अगर दोनों साइड्स बैलेंस हो रही हैं तो इसका मतलब कोई भी आइटम मिसिंग नहीं है। अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो जो भी अमाउंट ऑफ डिफरेंस है वो या तो क्लोजिंग स्टॉक होगा या फिर आपकी वेस्टेज ऑफ गुड्स होगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है आपकी वो या तो वेस्टेज ऑफ गुड्स है या लॉस ऑफ गुड्स है। अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो जो भी डिफरेंस है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉसेस। किसी भी टाइप की गुड्स में कोई भी स्पॉइल्ड हुई है गुड्स या लॉस हुआ है ट्रांजिट में या कोई भी शॉर्टेज अगर वेट में है गुड्स की तो उसे हम ब्रांच अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑलरेडी उतने अमाउंट से रिड्यूस्ड हो चुका है। तो अगर कोई भी अमाउंट आपको रिसीव होता है इंश्योरेंस कंपनी से सच लॉसेस के लिए तो वो जो अमाउंट है हम ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। अंडर फाइनल अकाउंट मेथड जो भी वेस्टेज या लॉस ऑफ गुड्स है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट के या ट्रेडिंग अकाउंट के, और दूसरी तरफ उसे हमारा जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है लॉस था जो उसमें से जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला उसको माइनस करके जो भी हमारा रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसे हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। इस मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।